धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की छाया के बाद धूप और धूप के बाद छाया, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, सुख के बाद दुख और दुख के बाद मिले ये नेम नहीं। यह ब्रेक भी लगाया जा सकता है कि सुख के बाद दुख मिले, यह नियम नहीं। जिनको जिस भाव से मुक्त होना है वह अभी वर्तमान में भी सुखी है और अंत में दुख को मिटा करके महापुरुष इस सुख और दुख की परंपरा से डरते नहीं, क्योंकि इसमें हम एक ऐसा उपाय भी सोच सकते हैं दोनों का अभाव एक साथ हो सकता है। और इसी एक श्रद्धान के साथ वे लोग आने वाले एक प्रकार से दुख से डरते नहीं, और सुख जो आता है उसमें वे रुचि भी नहीं लेते, क्योंकि तुलनात्मक जब तक सुख दुख होते हैं उसमें कभी सुख और दुख का अनुभव होता है, किंतु यह नश्वर है, यह कर्म के ऊपर आधारित है और वो कर्म हमने ही किए हैं तो वही रूप में आएगा। भोजन आपने किया किंतु बाद में आधा एक घंटे के बाद डकार आ गई, आप सुन रहे हैं, डकार आ गई, तो उस डकार में क्या होता वो बताओ। जो खाया है उसकी ही गंध और रस आदि आएगा। खाओ तो आप महेरी और स्वाद अब आ जाए लकार की मीठी, हो सकता है। अब जब खा लिया तो अब मेहरी की जो डकार आ रही है दुनिया के, दुनिया कहती क्या क्या खा कर जाए डकार आ रही, आ तो रही भैया खट्टी। अब खट्टी से या क्या मतलब है, मीठी से क्या मतलब, दोनों ही समाप्त हो चुकी। बस साहस करके उस ओर न देखते देखते हुए आप पीठ फेर दो उससे, सब कुछ समाप्त हो सकता। हम याद करते हैं उससे बहुत दुख होता, वर्तमान दुख इतना नहीं होता, याद करते हैं और याद करते हैं तो फिर हमारी गलती। याद महाराज नहीं भी करना चाहता है, चाहते हैं किंतु फिर भी याद आती है, आती है,
लेकिन हमेशा आती है ये नियम है। कभी कभी अच्छे स्मरण भी तो आ सकते हैं, दुर्घटना घटी है उसके बाद उसको आप हमेशा याद रखो। हमेशा हमेशा एक ही एक से कोई भी किसी के जीवन में होता ही नहीं। इसी एकमात्र सिद्धांत से बड़े बड़े कष्टों को महापुरुष लोग सहन कर जाते हैं और दीनहीन संसार ही हम लोगों की कथा अलग हो जाती। धैर्य नहीं महाराज, आप दे दो एक पक्का सिर दे और उसका दाम कितना है बता दो। धैर्य की कोई कीमत नहीं होती और धैर्य के माध्यम से अच्छे अच्छे काम किए जा सकते हैं और धैर्य रखते हैं तो बुरे काम भी हो जाते हैं। अब आप लोगों को इन दोनों से यदि बचना है, संसार में और कुछ नहीं केवल बचना, चाहे तो बच सकते हैं, नहीं है तो जो पहले किए हैं उसमें हर्ष विचार किए बिना उस घटना को याद करो तो कर्मों की निर्जरा जितना चाहो उतना होने लग जाते। होता होगा होगा, क्षणिक था, बुद्धि में बात नहीं आई और ऐसा बुरा कर दिया, किंतु अब याद रखूंगा दोबारा वह ऐसा घटित न हो। तो जो घटित होता है उसका स्मरण में भी दो व्यक्ति सांस के साथ उसमें हर्ष विषाद नहीं करता है, मोक्ष मार्गी कहलाता है। संसारी प्राणी इसको नहीं सीख पा रहा है, इसलिए गुरुदेव हम लोगों के ऊपर दया करके बताते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। यदि विद्यालय में जाने का हमने रास्ता ही खोल दिया तो विद्या अध्ययन करो, लेकिन विद्या अध्ययन करते 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 अंत में आ गया, परीक्षा दियो, आपने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, अध्ययन अच्छे कर लो, आपने अच्छा किया, हाँ बिल्कुल अच्छा किया है, लेकिन ये परीक्षा क्या है समझ में नहीं आता। अच्छे अच्छे व्यक्ति परीक्षा में घबराने के कारण दिमाग में कुछ आता ही नहीं, दिखाई नहीं जाता, उसके कारण अनुत्तीर्ण रह जाते हैं। तो उनको समझाना पड़ता है, अब की बार आप उत्तीर्ण हो जाओगे लेकिन ये याद मत करो, वो जो याद किया गया है उसी को याद करके लिख देना, घबराना नहीं। कई बच्चे परीक्षा के कारण बुखार से पीड़ित हो जाते हैं, क्यों बच्चों होते क्या नहीं होते हैं, और हमारे पास उनके माता पिता भेज देते हैं उसको, महाराज आशीर्वाद दे देंगे सब ठीक हो जाएगा। हम पहले अपने आप को संभालते हैं, उस जैसी हार हमारे ना हो। क्योंकि है वो एक जादू जैसा है। अब एक उदाहरण हम दे देते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहेगा, आगम का ही है। और चारों तरफ एकांत है, मनुष्य का नामो निशान नहीं है, वन्य पशुओं की आवाज चाहे दिन हो चाहे रात हो वहां पर कोई आने वाला नहीं है। यदि पशुओं को पक्षियों को डर लगता है तो मनुष्यों से ज्यादा, वहां पर कोई है ही नहीं, और दो व्यक्ति मात्र वहां पर है,
परीक्षा की घड़ी है, साहस रखना होगा। लेकिन महाराज धैर्य की बांध टूट रही है, कब तक रखें? हाँ हाँ, वह भी नश्वर है ऐसा समझो, और कर्म निर्जरा हो रही है, और निश्चित रूप से उदय में साटा भी आएगी, वह साथ देगी, लेकिन यदि भीतर है तो बाहर आएगी। इसलिए बंद प्रक्रिया को समझ लो, और डकार की भांति उसको भी ध्यान में रख देना साहस के साथ। दो व्यक्ति आपस में बोल रहे हैं, किंतु कोई तीसरा व्यक्ति वहां नहीं आ रहा। उसी में एक मुनि महाराज का वहां पर दर्शन हो गया। यह पुण्य का उदय है। ऐसे मुनि महाराज जो एक प्रकार से रिद्धिधारी थे और बहुत कुछ उनका ज्ञान विकसित था, स्व के साथ पर को भी वो जानते थे, उनके पास जाकर के रोते हुए दोनों व्यक्ति बैठ जाते। भगवान आप ही है, इतने दर्शन दे दिया, बहुत अच्छा हुआ, किंतु इसके उपरांत भी जो पहाड़ चट्टान सिर पर गिर रहा या गिरेगा, गिर गया, इसका कौन कैसा, और गर्भ में शिशु है, उसका कैसा होगा? तब मुनि महाराज कहते हैं, तुम घबराओ नहीं, उसके द्वारा ही तुमको आगे पुण्य का और संबल मिलेगा। हम सोचते हैं उसका, उसके कारण यदि मिलता तो वो गर्भ में है। हाँ, गर्भ में है, किंतु वह जन्म लेगा तब तो सब कुछ रास्ता साफ हो जाएगा। आप कभी भी असत्य बोल नहीं सकते। वह गर्भ में जो है शिशु, वह तद्भो मोक्षगामी जीव है। एक जन्म लेगा, उसी जन्म से वह मुक्त होने वाला है, और जो मुक्त होता है वह उस माँ के लिए कैसे पीड़ा दे सकता है? उसी के कारण सब कुछ आप लोगों का काम हो रहा है। ऐसा नहीं, आपने भी बहुत बड़ा पुण्य किया है, लेकिन पाप भी किया है, उसके कारण यह मिल रहा है। सुन करके दोनों आश्चर्य में पड़ते हैं, इतने संकटों के पहाड़ों को हम लांघते हुए आए, किंतु गर्भ में वह जीव है, कैसा है? तद्भव मोक्ष का बीज, वह स्वयं तो मुक्त होना ही है, दूसरे के लिए भी पूरा रास्ता बना रहा। और रिद्धिधारी मुनि महाराज इसके बाद आकाश में उड़ जाते हैं। कैसा लगता, इतने दुखी जीवों के पास भी वे बोले, आशीर्वाद दिया, सांत्वना दी और सहानुभूति हुई, इतना ही पर्याप्त था। वो चले, क्योंकि दुखी जीवों को देख करके मुनि महाराज सीमा तक ही संबोधित करते, ज़्यादा करने से उनको भी
उसके ऊपर दया बहुत होती है क्योंकि करुणा के धनी रहते, इसलिए वहाँ राग न हो जाए अथवा स्वयं दुख के संवेदन से पीड़ित न हो जाए, यह भी उन्हें देखना पड़ता है समता रखने के लिए, सुख और दुख के लिए तैयार रहते हैं। आपको वह मुक्त नहीं करा सकते, मुक्ति का बोध अवश्य दे सकते हैं। चले गए, फिर कुछ समय भी नहीं हुआ और वहां से एक बहुत बड़ा सिंह आया दहाड़ता हुआ। अब क्या करें, धूप के बाद छांव और छांव के बाद धूप, इतनी गर्जना कर रहा था पहाड़ सारे सारे, आवाज से घबरा गए हो इतने तेजी के साथ। वहीं पर दोनों लिपट करके आंखें बंद कर ली, जो भगवान जो होना होगा वही होगा, ऐसे सोच करके दोनों अबलाएं सखी सहेली हैं और एक राजघराने से संबंधित है और उसी के साथ ब्याह में जैसे दहेज में मिल गई हो सहेली, वैसे उसको भी आना पड़ा, साथ देने वाले कोई भी नहीं। आप इस रथ को कथा को सुन करके पढ़ करके क्या करते बताओ, महाराज क्या ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं, आंखों में से पानी ला सकते और उसको अपने ही पल्ले से पहुंच सकते और कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही हुआ, उसी बीच में एक और दहाड़ता हुआ अष्टापद आया और दोनों का घमासान युद्ध चालू हो गया। धीरे से वसंत लेना उसको देखा, वसंत माला देखा, घबरा गए, ये एक के दो हो गए और हम भी दो हैं, अब क्या होगा। देखा अब तो उसी समय वह जो अष्टापद था उसने उस सिंह को पछाड़ करके भगा दिया और स्वयं भी गायब हो गया। ये कौन अष्टापद और ये कौन सिंह, एक साता के उदय में और एक असाता के उदय। और क्या, अब शिशु है गर्भ में है, उसका उसकी प्रसूति उसका जन्म कैसा होगा या प्रबंध कैसा होगा बताओ। आप लोग जनता का प्रबंधन कर रहे हो क्या, नहीं महाराज टूटी फूटी कर रहे हैं, तो उस आपको तो कम से कम टूटी फूटी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जंगल में गुफा में वो दोनों हैं और वहीं पर रह करके जन्म देना है, कैसा होगा बताओ। किंतु उन्होंने कहा तद्भो मोक्षगामी जीव है, इसलिए सब प्रबंध होगा। और प्रसूति हुई और उसी समय जैसे मेघराज बोलते आवाज करते हैं और विद्युत लाइट लग जाती है, उसी प्रकार उस गुफा में कब से वह अंधेरे में था एकदम बाजा बजने लगे, जैसे ध्वनि प्रतिध्वनि होने लगे, ये बाजा बज गए, क्योंकि भव्य जीव जन्म लेता है
तो उसके लिए ऊपर से बाजा आ जाते हैं, हम नीचे से आप बाजा बजवाते हो। और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, आलोक धाम हो गया, सुखपूर्वक सब कुछ हुआ। विद्याओं के माध्यम से प्रतिदिन ताजा भोजन मिलता था, क्योंकि विद्याधर उनके पास विद्याएं भी थी, सहेले के पास भी थी, उनके पास भी थी। काम हो गया। अब हम पूछना चाहते हैं, महाराज पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ये प्राप्ति हो गई, कोई सुनने वाला नहीं, कोई गीत गाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, और तद्व मोक्षगामी जीव है, अनेक जीव भी इससे उद्धार को प्राप्त होंगे, लेकिन आज इनका यह स्वरूप है। फिर इसके उपरांत आगे बढ़ते बढ़ते उनके मामा क्या भाई, और हाँ मामा और उस शिष्य को लेकर के ये पहचान लिया उनके मामू ने, इनको कोई पता है ही नहीं, ये वही है। कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा सहारा मिल गया। जैसे वनस्पति बेल रहती है और बहुत लहलहाती रहती है, लेकिन वह फिर भी सोच में रहती है, यहाँ पर कोई छोटा सा भी पेड़ पौधा हो तो मैं अपनी रक्षा कर लूँ। तो यह मामा आ गया, लेकर के चले। उसके बीच में भी बहुत सारी घटनाएं घटी, अंत तक पवन जी का मिलन होना बहुत कठिन। वह बहुत कुछ यूं कहना चाहिए, और कोई होता तो टिक नहीं सकता हमारे विचार से। कवि को भी बहुत साहस रख करके सबका चित्रण करना पड़ता। कभी कभी दुखद पत्र यदि आप दिखते हो तो अपने आंखों में से आंसू गिर जाते उस पत्र के ऊपर। इस पत्र को जब खोल करके वह जिसको आपने डाला था वो देखता है, भैया ये पत्र तो लिखा गया है किंतु कोई न कोई हाथ से, मान लो गीले हाथ से रखा हो, उसके कारण ये स्याही फैल गई। फिर बाद में उसके मन में आता है वो ये नहीं, दुखद पत्र है, इसलिए उसी के लिखते लिखते उसके आंखों में से पानी आ जाए। और भगवान यदि मान लो आपको पत्र लिख रहे हैं या संदेश देख रहे हैं, उनके पास आंखों में पानी भी नहीं है, लेकिन उनको दया नहीं है, ऐसा नहीं है, इसलिए तो उपदेश देते हैं, ये तुम्हारा पत्र तुम ही स्वयं पढ़ लो। सर्वज्ञ को सभी को जानने की क्षमता आ जाती है उस समय। कोटि जीव ते जातन अपने, दौलत राम जी ने ऐसी पंक्ति लिखी, करोड़ों जीवली भी मिल करके आपके दुख की व्यथा की गाथा लिख नहीं पाए, और सारा सारा दिख रहा उनको, सुख के सांस के साथ साथ यह भी चल रहा है, संसार दुखी है, ऐसा सुखी है ऐसा कहीं भी नहीं कहा सर्वज्ञ ने, संसार दुखी है चारों तरफ। अरे मुझे केवल ज्ञान तो हो गया,
उससे क्या हो रहा, दुख कहीं दुख देखने को मिल रहा, दुखी को देख करके दुखी नहीं होना, यही एकमात्र सर्वज्ञत्व है। अच्छे अच्छे देखने के लिए हम तरसते रहते हैं, लेकिन यथावत देखना और जानना सर्वज्ञ के उस आलोक में तैरता रहता है। अपना भी पीठ पीछे का जो था वह भी दिख रहा है, अपना आगे आने वाला और भविष्य है वह भी दिख रहा है। इस प्रकार चिंतन करते करते जब भव्य जीव सम्यक दृष्टि होनहार वैरागी बस सोचता रहता है और वर्तमान की जो घड़ियां हैं उनको भूलता जाता है, केवल साक्षात्कार करता रहता है, अपने आप शांत भी हो जाता है, शांत हो जाता है। जैसे आप लोग कुछ भी कर नहीं रहे हैं, शांत बैठे हैं, और यह यदि मान लो प्रवचन घंटों चले तो भी आप क्या करेंगे बताओ, कुछ नहीं करेंगे बताओ, शांत बैठ करके। ये ऐसी हमारी कथा है, ऐसी हमारी व्यथा थी, आज वर्तमान में है ही क्या। नरकों में एक प्रकार से दुख के अलावा एक सेकंड के लिए सुख की बात ही नहीं, एक दाना और एक बूंद नहीं मिलती। कैसे 33 सागर तक सहन किए होंगे, वज्र का शरीर था इसलिए सहन हुआ, लेकिन फिर भी ऐसा था कि उदय में वह भूख और प्यास कंठगत प्राण होने के उपरांत भी वो प्राण निकलते नहीं, दुख ही दुख, दुख ही दुख। इस प्रकार केवली अपने वर्तमान में कर्म के निर्जरा होने के कारण साताकाय भी नहीं, वह असाताका भी नहीं, वह मुक्त यदि हुआ है तो वह केवल शांत बैठा रहता है। इसलिए संसार में जो दुख था या सुख था वह नश्वर था, पराया था, और मुक्त अवस्था में क्या है इसको देखने के लिए हमें भी मुक्त ही होना पड़ेगा, तब अनुभव में आएगा। आप चाहते हो? हाउ तो कहो, हाउ कहना भी भूल गए, अच्छी बात है। बस अपने दुख में रोना बंद कर देना, हाँ, पर के दुख में रो जाते हो आशीर्वाद है हमारा, पर के दुख को देख करके आप रोते हो तो हमारा आशीर्वाद है, और अपने दुख किसी के सामने नहीं रखना, छुप करके हमारे सामने रख देना, क्योंकि हमारे लिए आचार्यों ने कहा जो कोई दुखी आता है तो उसको सांत्वना देते देते नहीं भी दे पाओ, लेकिन उसको सुनते जाओ तो उससे उसको भी क्यों क्या ऐसे लग रहा है महाराज, हल्का सा लग रहा है, दूसरे इसलिए दूसरे के दुख को सुनना भी सीखो, अपना अपना ही कथा मत कहो। सुन रहे हो क्या? नहीं हो महाराज, तो एक बार कह दो कि हम अपनी नहीं दूसरे के दुख को आपके सामने रखते हैं और अपने भी रखते हैं, हमें भी ऐसा धैर्य और दे दो भगवान, सबका दुख दूर हो जाए। अहिंसा परमो धर्म। हेलो हेलो हेलो।